छत्तीसगढ़ से हूँ और मैं छत्तीसगढ़ से रह के मैंने छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा के साथ में 5 साल काम की हूँ, विशेषकर शंकर भगवान योगी जी के साथ में और सुधा जी के साथ में। मैं सुधा भारद्वाज के बारे में कुछ जानकारी देना चाहती हूँ। दीदी 2018 जुलाई में गिरफ्तार हुई है। पहले तो घर पे गिरफ्तार करके रखे थे पुलिस ने और अब पूना जेल में 6 महीना से अंदर है। सुधा भारद्वाज को मैं पहली बार 1991 में मिली दिल्ली में, जब हम शंकर भगवान योगी जी के साथ में सुंदरलाल पटवा के पास में गए थे जीने का अधिकार मांगने कि हम जीना चाहते हैं। उस समय छत्तीसगढ़ के उद्योगपति लोग शंकर भगवान योगी को मारने की साजिश रच रहे थे। उस समय हमने जीने का अधिकार मांगने सुंदरलाल पटवा जी के पास गए थे। उस समय सुधा भारद्वाज जो है पढ़ाई करके हम जितने भी मजदूर, जो हम लोगों ने 100 से भी ज़्यादा मजदूर हम लोग गए थे और हम लोग का खाने पीने का पूरा व्यवस्था जो है सुधा भारद्वाज पूरा देख रेख कर रही थी वहाँ पे। उसके बाद हम लोग जब वहाँ से आने के बाद में 1991 में ही 28 सितंबर को शहीद शंकर भगवान योगी जी का जो है उद्योगपतियों ने हत्या कर दिए, तब सुधा जी है दिल्ली राजना में आकर रहने लगी। और उसके बाद में वो पूरा छत्तीसगढ़ के जितने भी महिला मजदूर हैं, महिला मजदूरों के बीच में उद्योग में जो काम करते हैं उनके बीच में वो कानूनी रूप से मदद करने लगी। सुधा जी हालांकि वो बहुत पढ़ी लिखी थी, अमेरिका में पढ़ी लिखी थी, दिल्ली में पढ़ी लिखी थी, लेकिन हमारे क्षेत्र में आने के बाद सुधा जी पूरा एक गांव की महिला की तरह रहने लगी और छत्तीसगढ़ की जितने भी महिला साथी हैं उनको हम सब कोई सुधा दीदी के नाम से जानते थे। सुधा दीदी हमारे क्षेत्र में जितने भी महिला मजदूर हैं या जो भी घरेलू हिंसा से पीड़ित हैं या वन अधिकार से हो या जमीन के मुद्दे पे हो या रेप केस पे हो, तो जितने भी केस होते थे हम सुधा दीदी के पास लेके आते थे। सुधा दीदी उनको निःशुल्क जो है कानूनी मदद करती थी। वो बिलासपुर में रहती थी, रहने लगी थी और जितने भी जो उद्योग क्षेत्र के मजदूरों का जो कानूनी लड़ाई है तो वो भी लड़ाई लड़ती थी। सुधा दीदी एक ऐसी महिला थी हम लोग के लिए कि वो जैसे आपको पता होगा कि योगी जी के केस में भी उसने पूरा अपनी जो माँ की संपत्ति है, घर है, वो सब कुछ बेच के उसने सुधा योगी जी के केस में लगाई थी सुधा दीदी। और वो पूरा समर्पित रूप से छत्तीसगढ़ में वो बस गई थी, छत्तीसगढ़ के महिलाओं के मजदूरों के दिल में बस गई थी। इसलिए वहाँ के लोग जो है सुधा दीदी को सब बहुत चाहते हैं कि वो जब भी कुछ केस होता है तो हम सुधा दीदी को ही याद करते हैं और वो हमारे लिए बहुत चाहता, क्योंकि आजकल का जो कानूनी लड़ाई है एक व्यवसायीकरण हो गया है और हमारे लिए सुधा दीदी जो है निःशुल्क लड़ाई लड़ती थी। हम मजदूर वर्ग के हैं, हमारे पास पैसा नहीं है, जो हम कानूनी कानून का पहुंच नहीं है तो हम लोग पीछे पड़ जाते थे, लेकिन सुधा दीदी के रहने से हम लोग जो है कानूनी लड़ाई लड़ने में हमको बहुत मदद मिलता था और हमको बहुत मार्गदर्शन भी देती थी जब भी कुछ लड़ाई होता था। छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों को हमारे संगठन और उनकी लड़ाई और लोगों को जो साथ देती थी उससे उनको काफ़ी डर भी लगने लगा था सरकार को। और जिस तरह से बिलासपुर में माइनिंग हो रही थी उससे भी जो लड़ाइयाँ लड़ रहे थे, चाहे वो जिंदल की लड़ाई हो, चाहे सीमेंट फैक्ट्री की लड़ाई हो, चाहे औद्योगिक क्षेत्र का खनन की लड़ाई हो, इन सब में सुधा दीदी का बहुत बड़ा हाथ था कि लोगों को न्याय दिलाने के लिए लोगों का जो जमीन गई है, उन विस्थापित हुए हैं लोग, उनका घर द्वार टूटा है गया है, तो उन लड़ाइयों में उनको सही न्याय दिलाना सुधा दीदी का कानूनी ये से बहुत बड़ा योगदान रहा, जिससे कि वहाँ की गवर्नमेंट डरती थी और वो कानून रूप से उनको किस तरह से जकड़ा जा सके, तो संगठन को तोड़ने के लिए उसने व्यक्ति को आधार बनाया और सुधा जी को उसने फर्जी केस में फंसाया। अब ये एक बात बताएं कि सुधा दीदी कभी इतने साल तक रही छत्तीसगढ़ में और योगी जी का उद्योगपतियों ने इतना नियते हत्या किए, अगर हम लोगों ने अगर मर्डर का या हत्या का इतना बड़ा साजिश जैसे मोदी के बारे में ये बता रहे हैं, अगर उतना हमारा संगठन खूनी रहता तो हमारे प्रिय नेता शंकर भगवान योगी हत्या करने के बाद क्या ये उद्योगपति बचते?
क्या ये यहाँ के जो दलाल लोग बचते, लेकिन एक प्रकार से बहुत बड़ी साजिश के तहत और संगठन को खत्म करने की साजिश के तहत सुधा जी को ये फंसाया गया है। लेकिन आज छत्तीसगढ़ में महिलाएं जो है जान रही हैं कि सुधा जी निर्दोष है, और हम लोग जो है छत्तीसगढ़ में अलग अलग तरीके से लड़ाई लड़ रहे हैं सुधा जी की रिहाई की मांग के लिए, क्योंकि सरकार के पास पुख्ता कोई सबूत है ही नहीं सुधा जी के बारे में कि वो इस तरह से कुछ गिरोह में है या उनके ऊपर इस तरह से लांछन लगाया जाए। तो एक प्रकार की जो साजिश है, और आपको पता होगा कि उन्होंने एक बार पहले भी सरकार की ये साजिश थी, डॉक्टर विनायक सेन को फर्जी केस में फंसाया गया और कई साल तक रखा गया उसके लिए, और उसके बाद में फिर छत्तीसगढ़ से उनको बेदखल कर दिया गया। तो ये उनकी साजिश है कि सुधा जी को छत्तीसगढ़ से बेदखल करें ताकि ज्यादा दिन यहाँ जेल में रहेंगे तो लोगों का ये मन का विश्वास खत्म करेंगे कि हाँ वो सही में कुछ गलत ये में थी करके उनका विश्वास खत्म करना चाहते हैं और छत्तीसगढ़ से उनको हटाना चाहते हैं ताकि लोग जो है न्याय के लिए भटकते रहें, महिलाओं को न्याय ना मिले, मजदूरों को न्याय मिले, क्योंकि छत्तीसगढ़ में अभी ऐसा हमारे नज़र में कोई है नहीं जहाँ पे हम बोल सकें कि ये हमारे लिए अच्छी न्याय की लड़ाई लड़ सकते, क्योंकि आज कानून व्यवस्था पूरा बाजारीकरण हो गया है। तो एक प्रकार से हमारे लिए सुधा दीदी एक बहुत बड़ा मार्गदर्शन थी, और हम चाहते हैं कि ये जो लड़ाई है ये सिर्फ छत्तीसगढ़ के नहीं, हम पूरे जितने बुद्धिजीवी और जितने जन संगठन सबसे अपील करना चाहते हैं कि सुधा जी की रिहाई के लिए लड़ाई हो, ताकि जो मजदूर छत्तीसगढ़ में लड़ रहे हैं, महिलाएं लड़ रही हैं, उनको भी एक न्याय मिले और कानूनी उनको, और आज भी हम चाहते हैं कि हमको न्याय व्यवस्था विश्वास है, पूरी विश्वास है, और सुधा भारद्वाज निशर्त रिहा होगी, क्योंकि हमको पूरा विश्वास है कि कोर्ट जो है उनको निश्चित रिहा करेगा। वो आज हमको गुमराह में रख रहा है, संगठन को गुमराह में रख रहा है, और वो कोशिश कर रहा है कि संगठन टूटे, लेकिन ऐसा नहीं होने देंगे हम। सुधा जी जब तक अंदर हैं और हमारी लड़ाई भी चालू रहेगी और लड़ते रहेंगे, और भी हमारी सुधा जी जो मजदूरों की वकील है उसको हम लोग बनिहारी वकील बोलते हैं, उनके पैर में कभी अच्छा चप्पल नहीं रहा, कभी अच्छे ढंग की साड़ी नहीं पहनी, कभी अच्छे ढंग के, वो जहाँ भी जाती थी मजदूरों के, पूरा हाई कोर्ट में भी अपने वैसे ही जाके लड़ाई लड़ती थी, चाहे दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट में भी योगी जी का केस लड़ी तब भी। तो एक हमारे लिए दिल से जुड़ी हुई सुधा दीदी है, वो सुधा दीदी के लिए हमारी लड़ाई चालू है और आगे भी लड़ते रहेंगे, और छत्तीसगढ़ के दिल में बसने वाले सुधा दीदी है।